भगवान, कब मंदिर निर्माण संपन्न होगा? 12 वर्षों से मैं और मेरे साथी घर बार छोड़कर यहाँ काम पे लगे हुए हैं। जब मैं आया था, मेरी पत्नी गर्भवती थी। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, मैं कब उन्हें देख पाऊंगा? हे भगवान, कब उन्हें देख पाऊंगा? हे भगवान, कब? भाई, भीषण चिंता हो रही है। सारा काम हो गया, पर ये शिखर कलश की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है? बस इतना हो जाए तो कार्य संपन्न हो जाएगा। जल्दी आइए, मुझे बाबा से मिलने जाना है। आ रही हूँ बेटा। पर माँ, बाबा मुझे पहचानेंगे कैसे? उन्होंने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। बेटा, ये है हमारे आंगन के बेर, इनको लेकर जाना। मेरे बाबा को बहुत पसंद है, और ये अंगूठी भी उनको दे देना। इसको देखकर वे तुमको जरूर पहचान जाएंगे। ठीक है माँ। माँ, अब चिंता मत करना। ठीक है बेटा, जाओ जाओ बेटा। राम काका, कोणार्क मंदिर कहाँ है? प्रणाम, आपने कोणार्क मंदिर देखा है क्या? काका, प्रणाम, आपने मेरे बाबा को कहीं देखा है? क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम? मेरे बाबा महान शिल्पकार विशु महाराणा, मैं उनका ही बेटा हूँ। अच्छा, रुको यहाँ, मैं आपके बाबा को बुला के लाता हूँ। कौन हो बेटा? बाबा प्रणाम, मैं धर्मपद, आपका बेटा धर्मा, पहचाना आपने? ये देखो। अरे, ये आंगन तो मेरी है। ये देखिए बाबा, घर के बेल भी लाया हूँ। वाह, वही स्वागत। अरे, मेरा बेटा आ गया है, मेरा बेटा धर्मा आ गया है। मैं तुम्हें कितना याद करता था, कितने बड़े हो गए बेटा। हाँ बाबा, मैं भी आपसे कब से मिलना चाहता था। आओ बेटा, मैं तुम्हें मंदिर दिखाता हूँ। भाइयों, मेरा बेटा आ गया है, मेरा धर्म आ गया है, मेरा धर्म आ गया है, मेरा धर्म आ गया है। बाहुबली मंत्री जी, 7 दिन का समय दिया था, फिर भी मंदिर का कार्य समाप्त नहीं हुआ और प्रतीक्षा नहीं होती हमसे। मंत्री जी। जी महाराज। आप घोषणा करवा दीजिए, यदि कार्य सूर्योदय से पूर्व शिखर कलश की स्थापना नहीं हुई तो सारे शिल्पकार और कारीगरों का सत्कार दिया जाएगा। जी महाराज। क्यों सब इतने चिंतित है? बाबा, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। बेटा, राजा का आदेश है, कल सूरज निकलने से पहले मंदिर का कार्य संपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो सबके सिर काट दिया जाएगा। बाबा, मैं प्रयत्न करूं शिखर कलश की स्थापना करने के लिए। तुम
क्या कह रहे हो? हाँ बाबा, घर में रखे आपके शिल्पकार की सारे पुस्तकें मैंने पढ़ी है। मुझे एक बार ये करने दीजिए, एक मौका दे दीजिए बाबा। हाँ, एक मौका दे दीजिए, शायद इसके हाथों कुछ चमत्कार हो जाए। हाँ हाँ, मौका देना चाहिए। तो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। चलो सब, आज मंदिर का कार्य संपन्न करते हैं। वाह बेटा, तुमने कर दिखाया, हम सबका मान रख लिया। मैं बहुत खुश और गर्वित हूँ। लेकिन जब यह बात राजा को पता चलेगी कि हम लोग नहीं, इस नन्हे बालक ने कार्य संपन्न किया है, तो घोर अनर्थ हो जाएगा। किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ, क्या करूं, किसको बचाऊं? एक और धर्म है और दूसरी ओर 1200 कारीगर है। एक और धर्म है, दूसरी ओर 1200 कारीगर है। किसको बचाऊं भगवान, मैं किसको बचाऊं, किसको बचाऊं? धर्मा या 1200 कारीगर, 1200 कारीगर या धर्मा, धर्मा या 1200 कारीगर, 1200 कारीगर या धर्मा। चिंता मत करो, एक उपाय मेरे मन में आया है। तुम नमक मुझे क्या बेटा? अपनी जाति के लिए 1200 निर्दोष कारीगरों को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा बाबा। नहीं धर्मा, नहीं। मैं समंदर में कूद जाऊंगा बाबा, मुझे इतना करने दीजिए। नहीं धर्मा, नहीं, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा धर्मा, नहीं धर्मा। मुझे इतना करने दीजिए बाबा, सूर्योदय होने में अभी कम समय बचा है, मुझे जाने दीजिए। नहीं धर्मा, मैं ऐसे करने नहीं दे पाऊंगा। प्रणाम बाबा, माँ को बोल दीजिएगा। धर्मा, नहीं धर्मा, ऐसा मत करो धर्मा, नहीं धर्मा, ऐसा मत करो धर्मा, धर्मा, धर्मा। इतिहास साक्षी, सारे विश्व